नमस्कार, आप देख रहे हैं कैन लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका सही आंसर देने पर आप जीत सकते हैं एक शानदार गिफ्ट और ढेर सारी धनराशि। और इस वीडियो में जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे जो सभी परीक्षाओं जैसे SSC और भी रेलवे, NTPC, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इन क्वेश्चनों को याद कर लें जिससे कि आपके एक या दो नंबर पक्के हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, कमेंट करना है। यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो आप वीडियो को पुश करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आंसर जान लेते हैं, 24। तो टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो मक्का होती है हम लोग खाते हैं, जिसे भुट्टा भी हम लोग बोलते हैं, तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? सही आंसर है 20। मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर है, प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। सही आंसर जान लेते हैं, सही आंसर है 14। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो घर में मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। सही आंसर है 12। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सही आंसर है 6। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सही आंसर है अनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। जैसे कि किसी बेटे में उसके पिता से कुछ लक्षण आ जाते हैं, उनको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? सही जवाब आपको पता है तो वीडियो को पुश करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। चलिए जान लेते हैं सही आंसर, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जो मेंढक होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का 26। मेंढक में 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं?
सही जवाब आपको बताना है, नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है 18 या 36। जो नींबू होता है इसका स्वाद खट्टा होता है, इसमें 18 या 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 38। बिल्ली में 38 गुणसूत्र, 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चूहे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से आप आंसर लिखिए। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चूहे में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सही आंसर है 42। जो गेहूं होता है, जिसकी रोटी हम लोग खाते हैं, उसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर जल्दी से बताइए। सही आंसर है 44। खरगोश में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब है 48। 48 गुणसूत्र आलू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का 48। जो चिंपैंजी होता है उसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तंबाकू एक नशीला पदार्थ है जिससे कैंसर होने की संभावना हो जाती है। जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उससे कैंसर भी होता है। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तंबाकू में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आम तौर पर देखा होगा घोड़े की लोग सवारी करते हैं, तो घोड़े में यानी कि हॉर्स में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है 64। घोड़े में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 64 यानी कि 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर है 78। 78 गुणसूत्र कुत्ते में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कबूतर यानी कि फिजन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से आंसर कमेंट में लिखें। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है 80। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम
संश्लेषित जीव कौन से थे? क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, सर्वप्रथम संश्लेषित जीव कौन से थे? सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया थे जो क्या थे, सर्वप्रथम संश्लेषित जीव थे। आज का सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं हमारे चैनल कैन लर्निंग पॉइंट की तरफ से बहुत ही शानदार गिफ्ट और धनराशि। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, और इसके बाद आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन, जिसका आपको सही जवाब देना है और आप जीत सकते हैं 1100 रुपये की धनराशि या एक शानदार गिफ्ट। तो आपसे एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आई बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, माचिस की तीली बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता है? इसका आपको सही आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।